दोस्तों, आज हम आज की वीडियो में देखेंगे सिटी की इंफॉर्मेशन। जो हम जब पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे थे तब हमको सब्जेक्ट था पावर, पावर सिस्टम का। तब इसमें जो मेन चैप्टर था तो करंट ट्रांसफार्मर का था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सिटी क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो करंट रेशियो है ट्रांसफॉर्मर का, करंट रेशियो 100 बाय 5 एम्पीयर। जो प्राइमरी टर्मिनल्स होते हैं P1 एंड P2, मैं आपको दिखाऊंगा आज जो प्राइमरी टर्मिनल्स, और जो सेकेंडरी टर्मिनल्स होते हैं S1 S2। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है इसका, प्राइमरी करंट रेटिंग दी है 10 एम्पीयर तक, मतलब है मिनिमम इसको 10 एम्पीयर करंट चाहिए, 10 से 5 एम्पीयर तक। इंसुलेशन दिया है इसका, ये सब इंफॉर्मेशन जो है विद करंट ट्रांसफॉर्मर की, मतलब सिटी, इसका फुल फॉर्म है सिटी। इसको दिखा था वो भी, जो ये टर्मिनल दिख रही है आपको, ये टर्मिनल S1 S2, ये टर्मिनल जो है ये आउटपुट का टर्मिनल है। मतलब मेन फंक्शन जो होता है सिटी ट्रांसफॉर्मर का, जो हाई अल्टरनेटिंग कन्वर्ट इनटू लो अल्टरनेटिंग करंट। और जो ट्रांसफॉर्मर जो वर्क करता है, जो फैराडे के लॉ पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ पे जो टर्मिनल से आउटपुट टर्मिनल है, यू कैन सी हियर S1 एंड S2, ये आउटपुट टर्मिनल। यहाँ से वो, यहाँ से ऊपर से आते हैं इनपुट टर्मिनल, दो टर्मिनल यहाँ से,